सुबह लिया था, दैट वाज विदाउट मेकिंग रेवेन्यू स्टेटमेंट, सो मॉर्निंग द सन व्हिच आई एम टेकिंग, या दिस वन, दिस वाज विदाउट प्रिपेयरिंग रेवेन्यू स्टेटमेंट टू कैलकुलेट रेशियोस. नाउ टुडे आई एम टेकिंग अप अ सम वेयर, या सी प्योरली बोला है required to rearrange the above income statement in a vertical form. Matlab, they want you to first make a revenue balance sheet, vertical revenue statement, and then calculate the ratios. Okay? I had made it very clear. मैंने पहले ही बोला था, जब तक question paper में बोला नहीं है कि prepare a vertical revenue statement या prepare a vertical revenue balance sheet, तब तक नहीं बनाना. ठीक है, यू हैव टू डू द रेशियोज डायरेक्टली. लेकिन अभी यहाँ बोला है तो पहले हमें वर्टिकल फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द रेशियोज. ओके, सो सेल्स फर्स्ट आइटम ऑफ योर रेवेन्यू स्टेटमेंट. यस, रेवेन्यू स्टेटमेंट स्टार्ट ही सेल्स से होता है, बराबर. या नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, COGS में माइनस परचेजेस, COGS एड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, दिस इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ओके, या एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द हेडिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ओके, रेंट एडमिन अंडर द हेडिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ शेयर्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम. ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स लेस फ्रॉम टैक्सेस, लेस फ्रॉम एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. सैलरीज, दिस इज ऑल्सो एडमिन अंडर ऑपरेटिंग एक्सपेंस. सेल्समैन सैलरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर ऑपरेटिंग एक्सपेंस. डेप्रिसिएशन, नाउ कुछ बोला नहीं है तो आई विल कंसिडर इट office related depreciation, so admin operating expense. Sales return, yes, less from sales. Okay, yeah, it's depreciation on delivery when selling and distribution under the heading operating expense. Printing and stationery, same, admin expense under the heading operating expense. Audit fees, admin under the heading operating expense. Opening stock, COGS add. Dividend received on shares, this is an income, non-operating income. Okay, so this completes my bifurcation of a normal an information into a vertical vertical revenue statement, and then after that you have to calculate the ratios. कितने रेशियोज पूछे हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो. ओके, सो टोटल 5 रेशियोज वी आर सपोज टू कैलकुलेट. ओके, सो प्रिपेयर दिस रेवेन्यू स्टेटमेंट, बोला है इसलिए वी आर प्रिपेयरिंग इट. ओके, या देयर इज नो अदर रीजन. या सो दिस इज योर रेवेन्यू स्टेटमेंट, स्टार्ट्स विद सेल्स, less sales return. Okay, 10,57,000 minus sales return 57, 10,57,000 minus 57,000, so my answer is 10 lakhs in the outer column, inner outer column. वैसा तो sales less COGS क्या मिलता है मुझे? gross profit. Okay, and COGS का breakup I just showed you in the question. Opening stock, add purchases, if there is a carriage involved, add less closing stock. Okay, so opening stock 2,25,000, purchases 8,35,000 minus closing stock 4,60,000. My answer is 6 lakhs COGS in the outer column. Okay.
Now, sales minus COGS, 10 lakhs minus 6 lakhs, how much? 4 lakhs. So this is my gross profit. Okay, so that's my gross profit. अभी तक आप लोग ने जो भी सीखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट, तो बिना ट्रेडिंग अकाउंट के भी ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है. लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आई हैव थ्री. आई हैव एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस एक्सपेंस, थ्री डिफरेंट हेड्स. ओके, एडमिन एक्सपेंस में आई हैव रेंट 18750, सैलरीज 35750, डेप्रिसिएशन 36000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 17500 एंड ऑडिट फीस 12000. ओके, टेक दिस टोटल आउटसाइड. So 1,20,000. This is my operating expense. This is a part of my operating expense. I mean that तीनों add करने के बाद operating expense मिलेगा. Okay, कौन सा तीनों? Admin, selling and distribution, and finance. Okay. Next, selling expense. Advertisement 32,750. Salesman salary, depreciation on delivery van. Only three items are there. Add it. 32,750 plus 14,250 plus 8,000. 55,000 is my answer. Finance expense is not given in the question. ठीक है, no issues. ये तीनों मिला के मुझे मिलेगा ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब 1,20,000 प्लस 55 प्लस जीरो, निल इज जीरो. ओके, सो 1,75,000. नाउ व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,75,000. Okay, my answer is 2,25,000. This is my operating net profit. After subtracting gross profit minus operating expense, the balance which we get is known as operating net profit. Or net operating profit भी लिखोगे एक ही बात है. Operating net profit or net operating profit, it's one and the same. Next, add non-operating income because income will increase my available profits. That is all. And less operating non-operating expenses. So non-operating income, I have profit on sale of shares and dividend on shares. So take the total out 40, 25 plus 15. Then non-operating expense, may I have loss on sale of assets 45,000. Okay, so yeah, 2,25,000 plus 40,000 minus 45,000. So my answer is 2,20,000 net profit before tax, NPBT. उसमें से टैक्सेस माइनस कर दो, लेस टैक्स पेड और प्रोविजन फॉर टैक्स दोनों भी माइनस ही करना है. सो 1,00,000, सो 2,20,000 माइनस 1,00,000, आंसर इज 1,20,000.
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये रहा, ठीक है। इज दिस क्लियर, समझ में आया? ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स माय रेवेन्यू स्टेटमेंट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रेशियोज। नाउ रेशियोज कैलकुलेशन विल बिकम फास्ट बिकॉज नाउ वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड एवरीथिंग। अभी सिर्फ हमें कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट दे हैव आस्क्ड यू जीपी रेशियो, सो राइट डाउन जीपी अपॉन नेट सेल्स इन 200। सो लुक इन टू योर स्टेटमेंट, हाउ मच इज योर जीपी? 4 लैक्स। सब्स्टिट्यूट 4 लैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स, या तो बच्चा दिस इज नोन एज नेट सेल्स। ओके, दिस ये तुम्हारा नेट सेल्स है, ये 10 लैक्स। व्हाट इज इट? दिस 10 लैक्स इज नोन एज नेट सेल्स। Okay, so write it here, 10 lakhs. $200. So obviously we know the answer, 40%. So my net operating profit, I mean sorry, my GP ratio is 40%. Okay, next they have asked you operating ratio. Yeah, second one is operating ratio. So what is the formula for operating ratio? COGS plus operating expense upon net sales into 100. Okay, COGS also I have. Look into the statement. So आपको ढूंढना है, ये रहा आपका COGS, this one. Okay, this is your COGS. ये 6 लैक्स, सो राइट इट योर 6 लैक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके, सो दिस आउटर कॉलम फिगर 1,75,000, दिस इज योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके, सो द बेस्ट पार्ट इज इफ यू हैव अ वर्टिकल रेवेन्यू, यू आर बीइंग टोल्ड इन एग्जाम टू प्रिपेयर, सो इट विल ईज योर वर्क। सिर्फ आपको इसमें से ढूंढना होगा, लोकेट करना होगा। ओके, 1,75,000, सो राइट इट योर 1,75,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स दैट इज 10 लैक्स इनटू 100। सॉल्व दिस, 1,75,000 प्लस 6 लैक्स divided by 10 lakhs into 100, 77.5%. So 77.5%. Next, net operating profit ratio, or even if they call it net operating ratio, it's one and the same. Net operating profit ratio or operating profit ratio is one and the same. So net operating profit upon net sales into 100. Sales, so we know 10 lakhs into 100 is common in the formula. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये रहा, मिल गया। दिस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट
225,000. So I did here 225,000. Okay, solve it. 225,000 divided by 10 lakhs into 100. So 22.5%. Just box the final answer. Next, distribution, selling and distribution expense to sales ratio. All ratios are in connection to sales only. So even if they don't give you that word, it is very much understood. So selling and distribution expense divided by net sales into 100. Net sales to sabko pata hai, 10 lakhs hai. Denominator is not gonna change. Numerator will change depending on what you are calculating. So selling and distribution. So ye ra mera selling and distribution. Yahan se dekhe, yahan tak 55,000. Okay. So right here, 55,000. So 55,000 divided by 10 lakhs, 200. 5.5%. Bahut kam. And last, net profit ratio. I've been telling you all. Yeah, exam mein it is always net profit after tax. Textbooks do take net profit before, but that concept is wrong. Okay, take always net profit after tax. So let me see in the statement already ready made. It is there. See, net profit after tax 1,20,000. 1,20,000. Just a minute. 1,20,000 divided by 10 lakhs and 200. Okay. So calculate 1,20,000 divided by 10 lakhs and 200. 12%. What's the final answer? Yeah. Okay. Yes. Okay. So one sum I have taken where without vertical statement we are calculating ratios. Then I did one sum where with vertical statement, vertical revenue statement, and then we are calculating ratios.